अपने ख्याल दस हजार मजरस और हमारे मेजबान चौधरी अब्बास साहब, मैं तमाम साहिबान का मशकूर हूँ कि आपने बहुत तकलीफ होने के बावजूद यहाँ आप तशरीफ फरमा है और आपने हमारी जिस मोहब्बत से इज्जत अफजाई की है, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे भाई अजीज राजा यावर कमाल साहब ने बड़ी तफसील के साथ जो तरक्याती काम हैं, जो हो चुके हैं और जो होने जा रहे हैं, वो आपके सामने उसकी तफसील बयान की है। और मैं ये भी आपके सामने वाजे कर देना चाहता हूँ कि आपके इस थाना डबेली में जो तरक्याती काम गुज़श्ता 3 साल से जारी हैं, वो आपके सामने हैं, वो कोई ऐसी मख़फ़ी चीज़ नहीं है। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने इस थाना के अंदर जो एक आपके सामने जिसकी सड़कों की हालत खंडरात से ज़्यादा नहीं थी, हाँ आप अगर जेलन से दमेली आए तो पूरा आपका एक दिन लग जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप दमेली से दीना भी आधे घंटे की मुसाफत में हैं। यहाँ जहाँ आज मौजूद हैं, इंशाल्लाह ये जो कुछ थोड़ा बहुत ये बारिश की वजह से आपको भी नजर आया कि जो जो अभी हमारा ये काउज में बना है, इसकी दोनों तरफ की जो सड़कें हैं, इंशाल्लाह ये भी हम इसी साल उसके ऊपर भी काम शुरू करा देंगे, ताकि हमारे बस्ती के लोग जो हैं उन्हें कोई भी मौसम हो तो आमदोरफ्त में हमें तकलीफ ना हो। तो आप खुद इस बात के, यहाँ जितने साहिबान बैठे हुए हैं, ये कोई राज की बात नहीं है कि इस तहसील सुबावा के अंदर 95% जो बिजली के काम हैं वो मैंने और हमारे बुजुर्गों ने कराए हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। और इसी तरह इंशाल्लाह ये जो सड़कें हैं, जैसे कि राजा यावर साहब ने बताया कि उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ये पूरा हमारी कोशिश है कि आने वाले जो 2 साल हैं उसके अंदर यहाँ दमेली थाने के अंदर कोई सड़क जो पहले यहाँ जिसकी हालत बहुत ही नागुफ्ताबेज थी और जराए अमदोरफ जो थे वो बहुत मुश्किल हो गए थे, इन 2 सालों के अंदर पूरे थाना डबेली में सड़कों का पूरा जो जाल है वो बिक जाएगा और कोई बस्ती जो है वो उसके बगैर नहीं रहेगी। तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बात आपके भी इल्म में है कि अगर आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोशां हों, दिलचस्पी रखते हों और आपके पास सियासी कुव्वत भी हो, तो कोई ऐसी वजह नहीं कि लोगों के मसाइल हल ना हो। मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि यहाँ जो लोग पहले 2008 से लेकर 13 तक और फिर 2013 से लेकर 18 तक कौमी या सूबाई असेंबली में जो लोग थे उनका आपके साथ कोई तल्लक नहीं था, वो बाहर से आए एक सियासी मुहिम जुई के करके और उसके बाद उन्होंने जितना अर्सा यहाँ वो अपने इकदार में रहे, ना लोगों के मसाइल से उनको दिलचस्पी थी, ना इलाके के पड़ाव बहबूद से कोई दिलचस्पी थी, उनको सिर्फ अपने जाती मकासद अजीज थे। और आपने देखा कि दो, जैसे मेरे अजीज ने बताया कि उनका ये एक मटो था, एक उनका ये नस्ल लैन था कि हम किसी ना किसी तरीके से इनको हराएंगे। आप गुज़श्ता इलेक्शन 2018 में देख रहे
कि उनकी जमानत जब्त हुई है। सियासत में किसी के ऊपर बहुत बड़ी लालच होती है, लोग हारते भी हैं जीतते भी हैं, लेकिन अगर ये कहे कि यार फलानी की तो जमानत जब्त हो गई, और ये प्रैक्टिकल बात है आपके सामने, ये जो यहाँ के लोग थे उनकी जमानत जब्त हुई है, वो हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके बाद आप बताएं कि ऐसे लोग जो मुख्तलिफ शक्लें और अपने चेहरे के ऊपर नकाब डालकर, कभी वो पीपल पार्टी, कभी वो काफ लीग, कभी वो नून लीग, और फिर वहां से घूम फिर कर आजकल ये शोर मचाए वो पीपल पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों को आपके मसाइल से ये मुस्तरा छुड़ा लोग हैं और सियासी तौर पर ये मुर्दार है। अब ये इन हिले बातों से अपनी जो है वो शनाख्त बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग सियासी तौर पर बहुत गहरे दफन हो चुके हों उनकी कोई सियासी साख रह नहीं जाती। अब आपको अपने जो उनकर के मसाइल जो लोग जो हल नहीं करते, अब आप उन्हें भी मुस्तरद कर देते हैं, और ये अमली तौर पर आपके सामने ये चीज साबित हो चुकी है, और इंशाल्लाह आने वाले भी दौर में हम आप लोगों के एक जज्बे से और एक बेलौस जो खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों को भी उस बात का एहसास है और ये चीजें नजर आ रही हैं, और इंशाल्लाह ताला आप भी और हमारी आने वाली जो नई नस्ल है उनको भी हमने उनकी भी मुस्तकबिल को सामने रखते हुए, खास सड़कें हैं, बिजली है, स्कूल्स हैं, अभी महकमा एजुकेशन में 100 से ज्यादा स्कूल जो है प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई और कुछ हाई से हायर सेकेंडरी कॉलेज भी बने हैं। आपको जैसा कि एमपीए साहब कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश में है कि कोई उम्मीद है कि शायद इसी साल आपके दमेली के अंदर भी 1122 की सर्विस जो है वो मुहैया होगा, यावर साहब की कोशिश है, और इंशाल्लाह ताला हम उसमें जरूर कामयाब होंगे, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है। तो मैं आप तमाम लोगों का और अपने मेजबानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए, और आपका खराज तहसीन पेश करते हुए कि आपने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तकरीब लाए और बड़ी देर तक यहाँ इंतजार करके इस जलसे की कार्रवाई को बड़े बावकार तरीके से जारी और सारी रखा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो आपके सामने उनके जो हालात उनको मिले उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होती जा रही है, और ये भी आप देख रहे हैं कि जो मुखालफ अपोजिशन है उनके अंदर भी जो दरार है, जो घबराहट है, जो परेशानी है, वो भी आप लोग रोज अखबारों में भी पढ़ते हैं और टेलीविजन पर भी रोज देखते हैं। इंशाल्लाह आने वाले 2 साल के अंदर देखेंगे कि 2 साल तो भी बहुत ज्यादा अरसा है, उससे पहले इनके अंदर जो सियासी आपस में रसा किसी खानदानों में जमातों में जो जारी है वो ये जल्द लोग जो हैं वो अपने अंजाम तक पहुँच जाए। तो मैं बाद साहब आपका मशहूर हूँ और तमाम दोस्तों का, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम आने वाले वक्त में भी पूरी अपनी दयानतदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप लोगों की खिदमत और आप लोगों का जो मियाद जिंदगी है उसको बुलंद करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।